अभी यार मैं बैठे बैठे नॉर्मली कमेंट्स पढ़ रहा था वीडियोस पे क्या कमेंट्स है, एंड मैंने गाइस लिटरली इतने कमेंट्स देखे, सिर्फ एक ही चीज लिखा हुआ था कमेंट में, टॉप ट्रिप्स की वीडियो कब डालोगे, मिथ वाली वीडियो कब बनाओगे। भाई मतलब इतना कमेंट, लिटरली मैं सोच भी नहीं सकता हूँ भाई इतने सारे कमेंट्स। बट कोई ना यार, फाइनली मैं टॉप ट्रिक्स एंड मिथ्स की एक और न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। एंड यस यार, टॉप ट्रिक्स एंड मिथ्स ढूंढने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती, क्योंकि बंदे ना कमेंट में पुराने वाले जो टॉप ट्रिक्स एंड मिथ्स रहते हैं ना, वही कमेंट करके चले जाते। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ यार, अगर आपके पास कोई से भी न्यू वाले टॉप ट्रिक्स एंड मिथ्स हो तो जरूर से कमेंट करना यार, कमेंट सेक्शन पूरा खाली है। तो जाओ यार, सबसे पहले आप लोग कमेंट करो अगर आपके पास भी न्यू लेटेस्ट वाले टॉप ट्रिक्स एंड मिथ्स हो तो। एंड हाँ, वीडियो को एक लाइक भी करो यार, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है यार, लेकिन आपको गाइस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगने वाला है। अगर वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मिथ एसवीडी लो, फाइटिंग जोन में जाकर ग्रेनेड लो और फिर उसे यूज करो और एसवीडी फायर करो, सी मैजिक। ओके, तो चलते हैं ट्रेनिंग में स्ट्रिक को करने के लिए। तो अभी सबसे पहले यहां से हम लोगों ने एसवीडी परचेस कर लिया, देख सकते हो। अभी हम लोग ट्रेनिंग में चलते हैं एंड ग्रेनेड लेते हैं फटाफट से। और अभी जैसा कि बोला गया है, ग्रेनेड को यूज करो और फिर एसवीडी फायर करो एंड सी द मैजिक। तो यहाँ पर ग्रेनेड यूज किया और एसवीडी फायर किया। तो यार अगेन से करते, अभी एक बार में तो कुछ भी इतना कुछ खतरनाक मैजिक देखने को नहीं मिला। अभी मैं ग्रेनेड फेंका यहां पर एंड फायरिंग। भाई मुझे तो ऐसा सच में यार कुछ भी यूनिक देखने को नहीं मिला। बाकी यार आपको कुछ भी यूनिक देखने को मिला हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। एंड हेज दिस ट्रिक इज रॉन्ग, मिथ वुकोंग जंप करके यूज नहीं होता, प्लीज ट्राई। भाई आजकल तो वुकोंग हर पोजीशन में यूज होने लगा, मैंने तो ऐसा सुना है यार। बाकी फिलहाल चलो इसको भी हम लोग टेस्ट करके देखते है। भाई अपडेट के बाद तो यहाँ सीट होकर भी वुकोंग यूज हो जाता है। ये देखो मैं सीट किया एंड वुकोंग बना, ये देखो वुकोंग यूज हो गया। तो अभी यार यहाँ पर देख सकते हो मैं जंप करता हूँ एंड वुकोंग यूज करने का करता हूँ। कैन नॉट यूज एक्टिव स्किल राइट नाउ। ओ भाई ये क्या है भाई, जंप करके हम लोग यूज नहीं कर सकते भाई, सिट एंड प्रोन में दोनों में यूज कर पा रहे। वायर बिडू तुमने तो एकदम 100% सही बोला यार, मतलब सच में जंप करके यूज नहीं होता वुकोंग, ये बात तो मुझे आज ही पता चली यार। एनहेंस दिस ट्रिक इज राइट, मिथ अगर आप क्लैश स्क्वाड में राउंड स्टार्ट होने से पहले ग्लूअल लगाओगे तो आपका ग्लूअल हवा में लग जाएगा, प्लीज टेक माय मिथ। ओ भाई ये कब से होने लगा यार, मतलब हवा में ग्लूअल लग जाएगा अगर मैं जमीन पे लगाओ तो, क्लैश स्क्वाड में राउंड स्टार्ट होने से पहले, मतलब जब वो रेड लाइन रहता है उस टाइम पे ना। तो अभी यार फिलहाल देख सकते हो मैं यहाँ पर सीएस में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैं पहले तो फटाफट खरीद लेता हूँ। चलो तीन ग्लूअल यहाँ पर देख सकते हो मैंने खरीद लिया और अभी यहाँ पर राउंड स्टार्ट होने से पहले ही मैं ग्लूअल को लगाता हूँ यहाँ जमीन पे। इनवैलिड लोकेशन, हवा में अगर मैं लगाऊ तो भाई ये तो लग ही नहीं रहा है, हवा में कहाँ चले जाता है भाई, यहाँ तो ग्लूअल ही नहीं लग रहा है। ये देखो इनवैलिड लोकेशन, अब जाके लग रहा है भाई, यहाँ तो ग्लूअल ही नहीं लग रहा है यार। एंड आपका ट्रिक भी वर्क नहीं किया, सो हेंस दिस ट्रिक इज रॉन्ग। स्टेप वन के कैरेक्टर लो, स्टेप टू उसका स्किल ऑन करो, स्टेप थ्री आपको के कैरेक्टर की रेड लाइट नहीं दिखेगी, स्टेप फोर आपके टीममेट को दिखेगी। ओ भाई ये क्या है, मतलब खुद का एबिलिटी खुद को दिखाई ना देकर अपने टीममेट को दिखेगी, अपने फ्रेंड को दिखाई देगी। चलो अभी क्लैश स्क्वाड में चलते हैं एंड देखते हैं भाई क्या ये बात सच है या फिर नहीं। तो अभी यार फिलहाल देख सकते हो सीएस में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैंने मेरे फ्रेंड को भी बोल दिया है के कैरेक्टर लेकर आने के लिए। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर एबिलिटी ऑन किया हूँ, ये देखो मेरा एबिलिटी ऑन हो गया, बट यहाँ पे सच में मुझे वो रेड लाइन नहीं दिख रही यार। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मुझे एबिलिटी वाली कोई भी रेड लाइन नहीं दिख रही है। ओके अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे फ्रेंड को बोलता हूँ ऑन करने के लिए एंड ये देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रेड लाइन दिख रही है, ये देखो, जबकि मैं खुद की एबिलिटी यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो ये देखो मुझे खुद की रेड लाइन नहीं दिख रही है। भाई ये तो काफी यूनिक चीज है यार, जबकि यहाँ पर मुझे फ्रेंड की सच में यहाँ पर एबिलिटी दिख रही है, रेड कलर की वो लाइन दिखाई दे रही है। भाई आज तक मुझे इस चीज के बारे में पता ही नहीं था यार। एडहेंस दिस ट्रिक इज राइट, मिथ स्टेप वन ट्रेनिंग में जाओ, स्टेप टू इनहेलर बाय करो, स्टेप थ्री बॉक्सेस के पास जाओ, इनहेलर यूज करते हुए ओपन का बटन नहीं आएगा। ओके तो वीडियो यार अभी देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे इनहेलर हम लोगों ने परचेस कर लिया और अभी क्या करेंगे, यहाँ पर इनहेलर को यूज करते करते हम लोग बॉक्सेस के पास जाएंगे। एंड अभी ये देखना है कि अभी इनके पास देख तो जैसे ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ये ओपन का ऑप्शन आएगा या फिर नहीं। तो चलो यहां पर इनहेलर यूज किया एंड ये गए।
ओ भाई सच में नहीं आ रहा है। ये देखो जैसे ही मैं इनहेलर यूज कर रहा हूँ ओपन का ऑप्शन गायब हो जा रहा है, एंड जैसे ही इनहेलर खत्म हो रहा है ओपन का ऑप्शन ये वापस आ जा रहा है। ये देखो भाई नेक्स्ट लेवल ट्रिक यार, एनहेंस दिस ट्रिक इज राइट। मिथ आप नॉक होने के बाद सेटिंग्स नहीं खोल सकते। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर हम लोग CS में आ चुके हैं, एंड यहाँ पर मैं क्या ग्रेनेड बाई कर लेता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर नॉक हो सके। एंड अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये रहा सेटिंग का ऑप्शन है, एंड ओपन भी हो रहा है, सेटिंग इजिली ओपन हो जा रहा है। अभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर नॉक होते ओके, एंड नॉक होने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन आता है या फिर नहीं, मतलब हम लोग वापस यहाँ पर सेटिंग ओपन कर पाते या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेनेड फेंक दिया, अभी हम लोग यहाँ पर ओके नॉक हो गए। ओ भाई सच में यहाँ से सेटिंग का बटन ही गायब हो गया भाई, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन देखो गायब भाई, मतलब डाउन में सच में सेटिंग ही ओपन नहीं हो सकता, जबकि गाइस यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करने के टाइम सेटिंग ओपन कर सकते। ये देखो मैं यहाँ पर इस बंदे को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड ये देखो सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल, बट जब डाउन था उस टाइम पे सेटिंग का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। भाई सही है यार, एनहेंस दिस ट्रिक इज राइट। मिथ आप डाउन होकर पानी में जाओगे तो आप एलिमिनेट हो जाओगे। ओ भाई ये कैसा ट्रिक है यार, मतलब हम लोग डाउन होकर अगर पानी में जाएंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे सीधे। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो मैं ग्रेनेड लेकर आया हूँ, एंड अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पहले डाउन हो जाता हूँ ओके, डाउन होने के बाद उसके बाद मैं पानी में जाऊंगा एंड देखता हूँ मैं जिंदा रहता हूँ या फिर एलिमिनेट हो जाता हूँ। ओ भाई सच में ये तो डायरेक्ट डाउन ही होने का मौका नहीं मिला, डायरेक्ट एलिमिनेट। भाई आपने तो बिल्कुल सही बोला यार, मतलब गलती से भी गाइस आप लोग पानी में ना डाउन होकर मत जाना भाई, ये काफी खतरनाक चीज है यार। एनहेंस दिस ट्रिक इज राइट। मिथ रिमनाम विलेज के पीछे वाले समुन्द्र में ग्लूअल हवा में लग जाएगा, प्लीज टेक माय मिथ। तो अभी यार फाइनली देख सकते हो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं रिमनाम विलेज के पीछे वाले ये समुद्र पे, ये देखो यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हो। और अभी फिलहाल जैसा कि भाई ने बोला था यहाँ पर हवा में ग्लूअल लग सकता है, तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर ग्लूअल लेते हैं एंड हवा में लगाने का ट्राई करते हैं। भाई इनवैलिड लोकेशन, भाई यहाँ तो कब से इनवैलिड लोकेशन ही बताया जा रहा है। ये देखो किधर भी मैं लगा लूं चारों साइड मैंने लगाने का ट्राई किया बट किधर साइड भी नहीं लगा, मतलब एक भी साइड यहाँ पर हवा में तो ग्लूअल पॉसिबल ही नहीं है लगना। भाई कहाँ से आपने बोला था यार कि समुद्र के पीछे यहाँ पर ग्लूअल लग जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है यार यहाँ तो लगना। एनहेंस दिस ट्रिक इज रॉन्ग। गो सेटिंग्स, गेम का लैंग्वेज हिंदी करो, प्रीमिस का नेम एडम है। भाई एडम तो नेम पहले था यार प्रीमिस का, आजकल तो प्रीमिस ही नेम हो गया एडम का। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीमिस अभी, लेकिन जैसा आपने बोला है वो हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पर सेटिंग में चलते हैं, एंड सेटिंग में भाई यहाँ पर ये रहा लैंग्वेज, इसको हम लोग यहाँ पर हिंदी करके एंड गेम को रीस्टार्ट करके आते हैं। चलो तो अभी मैं फिलहाल यहाँ गेम को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं प्रीमिस भाई का नेम एडम होता है या फिर नहीं। शुरू करने के लिए टैप करें भाई, बहुत ही अजीब अजीब हो जाता है यार हिंदी में। बाकी यार आप लोग मुझे कमेंट में बताना भाई आप में से कौन कौन बंदे हिंदी लैंग्वेज करके गेम को खेलते हैं। तो अभी कैरेक्टर में आ गए, एंड यहाँ ओ भाई अभी भी यहाँ पर प्रीमिस ही लिखा हुआ है। ये देखो प्रीमिस भाई, एडम पहले नेम था यार, यहाँ पर आजकल प्रीमिस ही नेम हो गया हिंदी में, चाहे आप देखो या फिर इंग्लिश में। एंड यहाँ पर ईव का भी नेम यहाँ पर देख सकते हो, नुल्ला ही हो गया, ईव था इसका पहले नेम बट आजकल नुल्ला हो गया। बाकी यार यहाँ पर एडम का भी नेम चेंज नहीं हुआ। सोहेंस दिस ट्रिक इज रॉन्ग। तो बस यार गाइस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको मजा आएगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड हाँ अगर आपके पास भी लेटेस्ट वाले टॉप ट्रिक्स एंड मिथ्स हो तो नीचे कमेंट जरूर से करना। तो चलो गाइस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।